मैंने पूछा खाना का तो पूछ भी नहीं किए रे इतना ज्यादा इधर से ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तुम भी मतलब देखे तो फिंगर वाला करेंगे ना हाँ। तो हमें डिसाइड नहीं करना रहता है इसको 75 को जब तक देखेगी तो चैनल में हूँ ऋचा पाठक। हाँ जी गाइस आप लोगों को मैंने बहुत ही ज्यादा हॉस्टल दिखा दिया, अब है मेरी बारी। मुझे नेचुरली एक आजकल ना एक हॉस्टल ढूंढ रही हूँ, मुझे एक हॉस्टल चाहिए, तो उसी के लिए हम दोनों बहन निकल चुके हैं हॉस्टल खोजने के लिए। अभी मैं लोकेशन की बात करूँ तो जमुना अपार्टमेंट के पास हम लोग आ चुके हैं एक गली में। गली का नाम वाम कुछ भी नहीं पता है हमको, बस घुस गए और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल है। समझ में नहीं आ रहा कि किस में घुसे दीदी। बहुत सारा लोग बोल रहा था इस गली में घुस जाओ और बहुत सारा हॉस्टल मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज आ गए गाइस किस हॉस्टल में जाए। चलो जिसका गेट खुला रहेगा घुस जाएंगे। हाँ तो इधर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ई गेट तो बंद है, ईवी गेट बंद है ना, खाली बड़का बड़का गेट लगा दिए हैं खाली। गाइस एक वो गेट खुला है देखिए, ई गेट तो खुला है। अंदर तो हम लोग घुस चुके हैं, यहाँ पे हमारी पूछते हैं इनसे रूम खाली होगा क्या, यहाँ पे खाली है दिखा दीजिए सिंगल या डबल दोनों खाली है, दोनों देखना है हम लोग। ट्रिपल भी खाली है, ओ भाई क्या ही चाहिए। ट्रिपल वाला रूम है दिखा दीजिए सर। रूम तो अच्छा है, हाँ विंडो है साइड से, लेकिन ट्रिपल वाला है रचना। अच्छा तो लग रहा है रूम, रैक भी है बाप रे कितना लंबा लंबा रैक छोगे। ये सब भी है रखने के लिए, ये वाला तीन मिल जाएगा ना, तीन मिल जाएगा अलमारी नहीं। रूम तो बहुत अच्छा है, मस्त है दीदी। हाँ, लेकिन हम रहेंगे नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि हम दोनों बहन है ना तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ट्रिपल दिक्कत कौन सी है, तो कत्ते निकते है तो ना दिक्कत। कौन सी दिक्कत है पागल सी, रेंट कम लाग तो ट्रिपल बेड का, डबल सिंगल भी बहुत ज्यादा लाग तो। फिर दूसरा रूम देख लेते हैं फिर। क्यों इसमें क्या खराबी है, कितना अच्छा तो है। झंझट हो जाएगा ना फिर। झंझट क्या हो जाएगा, मतलब मम्मी बोली है ना एकदम जो कम सस्ते में हो जाएगा वो वाला ले लेना। कूलर तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। हाँ कूलर हो या देखो तो अपने साइड इधर हम रह जाएंगे तो समझ रही हो पूरा हवा हमको ही लगेगा है ना। एक और रूम देख लेते हैं। कहा है इस रूम में तुमको कौन सा दिक्कत बुझा रहा है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, रूम तो बहुत अच्छा है, विंडो भी है। इस साइड तुम रह जाना, कूलर के पास हम रह जाएंगे। नहीं कूलर के पास तो हम ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुमको नेचुरल पूरा हवा आएगा इस साइड से। चलो ना एक बार देख लेते हैं दूसरा रूम, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। तुमको खाली 75 को भर देंगे, इसको ना रूम देखना है ठीक है। एक हॉस्टल में डिसाइड नहीं करना रहता है इसको, 75 को जब तक देखेगी। वो डबल बेड वाला इसमें तो बेड वेड किया है, चप्पल खोल ले खाली हो जाएगा। वाह ई तो और बढ़िया रूम लागे छे। हाँ रूम तो बड़ा बढ़िया छो, बहुत अच्छा लग रहा है सही में, पूरा लाइटेड रूम है। यूम छो कूलर लाग, खिड़की साइड वाला तो हम ही लोग। वाह बालकनियो छो एम तो बालकनी के नजारा देखी कनी। हाँ वाह क्या व्यू है। यह रूम लो लेना दीदी। हाँ यह रूम लो लेना, ये तो हम वैसे खेबो आज का किचो किचो खेबो बहुत निक लागे। ये तो दो कुर्सी नहीं है कि ये तो हम रहती है। नहीं तुझो ना अपन नहीं वो सब नहीं होए छे, तो एक और कुर्सी लगे बे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यही रूम ले ले क्या? हाँ हम खिड़की साइड वाला लेंगे चलो ना। वाह ये वाला बेड तो हम ही लेंगे, देखो कितना ज्यादा इधर से रोशनी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, तुम भी इस साइड तो मतलब बेड भी ले लोगी, कूलर भी तुम्हारे पास रहेगा, तो हम क्या उधर साइड गर्मी में सोएंगे हैं? तो हम कहाँ बोल रहे हैं गर्मी में सोने के लिए, ज्वाइंट कर लेंगे ऐसा। देखो ऐसा करते हैं ना, ज्वाइंट कर लेते हैं बेड को ठीक है, इससे कूलर भी रहेगा। फाइनल करें क्या? ठीक है ओवल ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो टैडी स्माइलिंग सब हम लोग के पास बहुत सारा है ना, इसमें सजा देंगे तो मस्त लगेगा है ना। बड़ा बड़ा सा रैक में दिया हुआ है, जूता चप्पल सब भी रख सकती हूँ इधर ये देखो ना। हाँ कुर्सी वर्सी भी आ जाएगा सारा, और इधर टांगने वांगने के लिए भी दिया हुआ है, आराम से कपड़ा उपड़ा लटका सकते हैं। वैसे भी तुम आलसी हो डेली तो धोती नहीं हो, कपड़ा टांग सकती है उसमें। अब पर्दा सब लगाया हुआ है अच्छा है ना। हाँ और बहुत अच्छा हमको बालकनी बहुत अच्छा लगा। हाँ बालकनी तो अच्छा ही है, यहाँ पे आके शाम में टहल सकते हैं हम लोग है ना, कपड़ा भी यहीं डाल सकते हैं। देखो ना टंगना भी दिया हुआ है, देखो ना इधर कितना हरियाली लग रहा है। बढ़िया इधर बाथरूम सब देख लेते हैं। अरे छोटा सा किचन भी दिया हुआ है बर्तन धोने के लिए। हाँ हाँ नल सब काम करे काम करे छो नल। हाँ सब कुछ बहुत लाइटेड है, बहुत अच्छा है लाइटेड तो है।
और थोड़ा सा वो बाथरूम देखते हॉस्टल का बाथरूम बहुत घिनाया हुआ रहता है। अरे गीजरो सब लागल छ। अरे वाह। हां यहां पे भी थोड़ा सा छोटा सा दिया। तो ठीक लगा तुमको कैसा लगा? सब कुछ ठीक है लेकिन खाना का नहीं ना पूछा। खाना का तो पूछवे नहीं किए रे। अरे देखो ना वाटर कूलर भी लगा हुआ है। जल्दी जल्दी भर लो बहुत इंडक्शन है रे। हां इंडक्शन दिया हुआ है तो मैगी भी बना सकते हैं हम लोग। हां आराम से चाय कॉफी सब कुछ बना सकते हैं। हां चलो ये तो बढ़िया। सुबह सुबह मेरा नाश्ता तो यहीं पे होने वाला है। चलो अब मेन्यू पूछ लेते थोड़ा सा। अरे रचना देखो ना यहाँ पे पंच वाला भी लगा हुआ है। मतलब देखे तो फिंगर वाला करेंगे ना। हाँ। तो पापा को मैसेज जाएगा कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं। वो मेरा भी दिया नहीं ना इसमें विजिट अगेन। मतलब पापा को मैसेज चल जाएगा ना कि कब हम कितने बजे निकल रहे हैं। और अच्छा ना है सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हमको सिखा रही है। कुछ तो देख लिए मेन्यू कहाँ देखी पापा। रेंटो नहीं पूछे। रेंटो नहीं पूछे ना। चार टाइम मिलेगा खाना। वाह 8 से 9:30 बजे तक समझ रही हूँ। मतलब तब तक को खा के हम वीडियो बनाने के लिए भी निकल जाएगा। चावल दाल सब्जी अचारो मिलेगा है ना। बहुत रंग बिरंगा पूरी सब्जी मिलेगा। पूरी सब्जी जलेबी। और हम ना वेजिटेरियन है नॉन वेज नहीं खाते हैं। नहीं वेज में मिलेगा जैसे कि ये खाती है नॉन वेज हम नहीं खाते हैं। हाँ अलग मिलेगा मेरे लिए। ट्रिपल बेड का 8,000 रुपया है। अच्छा डबल बेड का कितना है? 8,500। अच्छा रेंट ठीक है जितना फैसिलिटी है उस हिसाब से हमको ठीक है लगता है। अरे सब कुछ तो देख लिए नाम कहाँ देखिए हॉस्टल का पागल। अच्छा क्रिएटिव जीनियस गर्ल्स इसका हम देखे थे गूगल पे एक बार। हम भी देखे थे रेटिंग बहुत अच्छा है। हर जगह पटना का फेमस गर्ल्स हॉस्टल है पता है तुमको। पता नहीं तो डायरेक्ट आ जाते हैं इसी गली में घूम घूम के देखना भी नहीं पड़ता। ठीक है तो डबल वाला हम लोग का वो जब जाने लगेंगे ना वो लोग तो बुक कर दीजिए। खाली कब होगा? 1-2 दिन बाद होगा ना खाली। चलिए ठीक है डबल वाला बढ़ाएंगे। घुसने मत दीजिए किसी को ठीक है। पहले 500 रुपया दे के बुकिंग कर लेते हैं हम दे रहे हैं अभी। अरे देखो दीदी एड्रेस बढ़िया से देख लो और फोटो खींच लो इसका। हाउस नंबर 72 गांधी नगर नॉर्थ एसके पुरी बोरिंग रोड पटना। ठीक है बढ़िया से दिखा दो। 2-3 को नंबरों दे है आराम से कांटेक्ट कर सकती हूँ। आओ तो थोड़ा सा बाहर देखते हैं। अरे वाह। अरे ये तो यहीं पे लिखा है लेकिन हम तो देख भी नहीं किए थे। गाइस 3-4 तल्ला आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा हॉस्टल है। ऊपर में देखो लिखा है क्रिएटिव जीनियस गर्ल्स। हम लोग देख भी नहीं किए। देख के तुमको बोलते हैं इसलिए चला करो सही पकड़े हैं।